बिहार में लोकसभा की एक और विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 11 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वैसे तो सूबे की इन तीनों सीटों पर ही एनडीए की असली परीक्षा होगी, लेकिन खासकर बीजेपी के लिए अररिया लोकसभा सीट नाक का सवाल बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां आरजेडी का तथा कथित मुस्लिम यादव समीकरण बेहद मजबूत है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अररिया सीट पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी बीजेपी, क्या अररिया लोक सीट पर आरजेडी को मात दे पाएगी बीजेपी। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था। मोदी लहर होने के बावजूद तस्लीमुद्दीन यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उस चुनाव में तस्लीमुद्दीन को करीब 41% वोट मिले थे। अगर बीजेपी और जेडीयू के वोट फीसदी को जोड़ा जाए तो करीब 50% बैठता है। अररिया में मुस्लिम मतदाताओं की कुल संख्या करीब 41% से ज्यादा है, लेकिन चूंकि इस बार जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में बीजेपी हिंदू वोटों के अपने पक्ष में लामबंद होने की उम्मीद कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस सीट पर भले ही आरजेडी का मुस्लिम यादव गणित बेहद मजबूत है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के मतदाताओं के पारंपरिक रूप के साथ आने से उनके उम्मीदवारों को फायदा जरूर मिल सकता है। एनडीए सूत्रों की माने तो 2004 और 2009 के चुनावों में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को इस सीट पर जीत मिली थी। 2009 में चुनाव जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह दोबारा चुनाव मैदान में हैं। वहीं आरजेडी की ओर से तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी सूबे में होने वाले इस उपचुनाव को मिशन 2019 का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। खास बात तो ये है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने खुद अररिया लोकसभा सीट की कमान संभाल रखी है। बताया जा रहा है कि सूबे से बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी होली के बाद चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस सीट पर आरजेडी की मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।